बिहार के लिए विशेष राज्य का मुद्दा कोई मुद्दा ना रहा कि घर का हलवा बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया कुमार और आप देख रहे हैं News24 का यूट्यूब चैनल बिहार और झारखंड। दरअसल नीतीश कुमार पिछले 10 सालों से बिहार की सत्ता में हैं और पिछले 10 सालों से वो बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं। जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग की थी। फिर जब उन्होंने लालू यादव के साथ सरकार बनाई तभी उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। अभी वर्तमान में वो बीजेपी के साथ सरकार में, केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है, हालांकि वहाँ नीतीश कुमार नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की मांग जिस तरीके से की है और जितनी बार करते रहे हैं उसे तो यही लगता है कि बिहार में कोई और मुद्दा बचा ही नहीं। चमकी बुखार से मौत हो रही है लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं है। बाढ़ से लगभग बिहार के आधे जिले तबाह हो रहे हैं लेकिन वो भी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सिर्फ विशेष दर्जा। अगर बिहार को विशेष दर्जा मिल जाए तो यकीन मानिए सारी समस्याएँ, सारी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल जेडीयू और बीजेपी क्यों आमने सामने आ गए, देखिए एक रिपोर्ट। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर सियासत फिर गर्माती दिख रही है। इसको लेकर जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा उठाया। जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने भी बाद में कहा कि विशेष राज्य के प्रस्ताव का सभी राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा में समर्थन किया था। वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शिगुफा बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जेडीयू के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जेडीयू ने गत लोकसभा चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि अगर 17 में से 15 सीटों पर जीत मिली तो वह विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन 17 में 16 सीटों पर जीत के बावजूद जेडीयू वर्तमान राजनीतिक हालात में बीजेपी पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। जेडीयू की इस मांग को लेकर विपक्ष भी हमलावर दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस मुद्दे को जेडीयू का फुटबॉल बताते हुए कहा कि वह इसे जब मन हुआ उछाल कर चुप हो जाता है। उन्होंने कहा कि अब आरजेडी इस मुद्दे को लेकर चलेगा। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने भी सवाल किया कि आखिर चुनाव आने पर जेडीयू को इस मुद्दे की याद क्यों आती है।